पेज नंबर 36 to 37 और लाइव सेशन नंबर 2 है। और आज के सेशन की जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि AI for everyone की जो रिमेनिंग थ्योरी है वो क्या है, आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होती है और किस तरह आप क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जो हम लर्न करने जा रहे हैं सीखने जा रहे हैं वो होगी आपकी प्रोग्रामिंग। तो आज हम पाइथन का हेलो वर्ल्ड करके कम से कम जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग करने का वो कॉन्सेप्ट वगैरह आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताएं कैसे आप सब और लास्ट वीक का एक्सपीरियंस आप सबका कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह सर अच्छे और एक्सपीरियंस भी अच्छा था। ओके दैट्स गुड थैंक यू। हम फिर स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रेजेंटेशन फाइंड कर लूं, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूं आप लोगों के साथ। चलिए लास्ट टाइम जो हमने सीखा था उसको शॉर्ट जरा मैं रिव्यू करवा दूं आपको कि सबसे पहले हमने सीखा था, एक डायग्राम देखी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसमें मशीन लर्निंग क्या होती है और उसमें डीप लर्निंग क्या होती है, एंड फाइनली इन सब की कॉम्बिनेशन और इसके अलावा जो दूसरी आपकी स्ट्रेटजी है या दूसरी आपकी जो फील्ड्स है उनकी मर्जन को हम कहते हैं डेटा साइंस। उसके बाद हमने देखा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग कौन सी होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कौन सी होती है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग कौन सी होती है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन दो दो बुलेट्स के अंदर देने की कोशिश करूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्लाह ताला ने इंसान को इंटेलिजेंस दिया है कि वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर सीखता है, वो एक्सपीरियंस उसका एक यानी एक लर्निंग हो जाती है। और अब रियल वर्ल्ड में कोई भी नई चीज होती है जो पुरानी चीज से या उसके एक्सपीरियंस से मिलकर जुलती होती है वो उसकी बेस के ऊपर बेस्ट डिसीजन लेता है, इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सिंबॉलिक एआई आया था जिसके अंदर हर चीज आप लिख के बताते थे, तो ये आपका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद मशीन लर्निंग आई, मशीन को हम पहले प्रोग्राम करते थे, अब हम मशीन को प्रोग्राम नहीं करते, हम मशीन को डेटा देते हैं और मशीन उस डेटा से खुद ब खुद तमाम चीजें सीखती है, इस वजह से हम उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, मुझे कोई कंफर्म करे एक की तरफ आवाज की प्रॉब्लम है या सारों को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? सर क्लियर आ रही है मुझे, तो सही आ रही है, क्लियर आ रही है मुझे भी, मसला हो रहा है वॉइस पे, क्लियर नहीं पूरी सर, मुझे भी मसला कर रहा है, इको का प्रॉब्लम है। यस सर क्लियर नहीं आ रही है, सर क्लियर है, इको का प्रॉब्लम थोड़ी इको हो रही है, थोड़ी सी है लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अच्छा, जिसके साथ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो काइंडली एक दफा दोबारा से डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो तो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से, प्लीज। ओके थैंक यू। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस क्या थी जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी। उसके बाद हम देखा कि मशीन लर्निंग क्या है, कि मशीन को पहले हम प्रोग्राम करते थे, कोई प्रोग्रामर जो चीज लिख के बता सकता था मशीन से और लॉजिक उसको प्रोवाइड कर सकता था, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जिसे हम सिंबॉलिक एआई या हम उसको ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग भी कहते थे। दौर चेंज हुआ, उस दौर चेंजिंग में क्या हुआ कि मशीन को अब आप डेटा दे दो मशीन उससे खुद सीखती है, इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, इसीलिए उसका नाम चेंज हो गया, पहले प्रोग्रामिंग था अब कहलाती है लर्निंग।
मशीन लर्निंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यहाँ पे आपको फीचर्स खुद बताना पड़ते थे। फीचर्स के ऊपर हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, जस्ट ये वर्ड अभी आप याद रखें कि फीचर्स यहाँ पे खुद बताना पड़ते थे। सबसे काम था सर, सॉरी डिस्टर्ब यू, एक तो आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, इस पे ग्रे कलर की वो एक कुछ आ रहा है, और दूसरा आपकी वॉइस ना इको कर रही है। अच्छा मुझे एक मिनट दे, मैं जरा से हेडफोन लगा दूं, एक मिनट जस्ट। अब मुझे बताएं अभी कोई नहीं सर, अब ठीक है सर, अब ठीक है, ओके ग्रेट, ओके परफेक्ट। अच्छा तो मशीन लर्निंग सबसे मुश्किल तरीन जो पार्ट था मशीन लर्निंग का वो था फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब है कि हर, अच्छा सिंपल में ये कह रहा हूँ कि मॉडल को डेटा देने से पहले, सिखाने से पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, सर ये अब थोड़ी सी आवाज कम हो गई आपकी, पहले बहुत बेहतरीन आवाज थी। अच्छा अब ये चीजें मैं देख लेता हूँ शायद वॉइस वगैरह यहाँ से, अब बताएं वॉइस सही हुई है जी, तेज हुई वॉइस सर, आवाज में बहुत कम है, थोड़ी सी बेहतर करें और प्लीज सर। वॉइस ठीक है, बिल्कुल वॉइस प्लीज सर, अभी बिल्कुल ठीक है वॉइस, जो इको थी वो खत्म हो गई है, बेहतरीन थी, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अच्छा मैं, अच्छा अब मैं करूंगा सही कर दे जी जी, मैंने सही कर दे सर, मैं दोबारा और तेज, थैंक यू, अब थोड़ी और तेज हो गई होगी, बेहतरीन सर, इट्स फाइन सर, फाइन थैंक यू, ग्रेट ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें कि सबसे सब हेडफोन लगा के क्लास को लें, तो वॉइस की जो क्वालिटी होती है वो आपको अच्छी मिलती है, ठीक है। बाकी आप सब यार आईटी से रेलिवेंट है तो मुझसे बेहतर जानते हैं, ओके। तो मशीन लर्निंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये थी कि फीचर इंजीनियरिंग आपको खुद करना पड़ती थी। फीचर इंजीनियरिंग क्या है, सिंपल और सादा, और यानी सादा जबान में अगर हम कहें, अगर मैं किसी बच्चे को कोई चीज सिखा रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं उसको एक तस्वीर दिखाऊं, और उस तस्वीर के साथ बैकग्राउंड भी है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी है, बहुत सारी चीजें, और मैं कहता हूँ क्या ये तस्वीर देखो और इसके अंदर ये कैड है। अब बच्चा क्या होगा, जो भी उसको इधर उधर से मुख्तलिफ चीजें दिख रही है, बैकग्राउंड दिख रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, वो परेशान होगा कि यार कौन सी चीज कैड है, ठीक है। हम इसमें करते हैं फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग क्या है कि उन तमाम चीजों से सिर्फ जो केट है ना उसको निकाल के आप बच्चे को दिखाएं, यानी जितना बैकग्राउंड है, जितने दूसरे ऑब्जेक्ट है, उन सबको हम क्या करें, मिटा दें, और सिर्फ क्या प्रोवाइड करें, सिर्फ कैट की तस्वीर प्रोवाइड करें। इसे हम कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग, कि रेलिवेंट जो चीजें वही निकालें। तो ये मुश्किल तरीन काम था मशीन लर्निंग में, खुद करना पड़ता था। तो इसका जो सोल्यूशन आया, इसका सोल्यूशन आया था डीप लर्निंग। डीप लर्निंग की जहां भी बात होगी वहां पे हम न्यूरल नेटवर्क, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फीचर इंजीनियरिंग ऑटो करता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा था। सुपरवाइज लर्निंग, जहां कोई सुपरवाइजर शामिल हो, कोई भी चीज आप किसी सुपरवाइजर से सीखे, चाहे वो इंटरनेट से, वीडियो से, किसी भी इंसान से, दोस्त से, सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग, इस लर्निंग के प्रोसेस के अंदर इंसान को हटा दिया जाए, सुपरवाइजर को हटा दिया जाए, उसे हम कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। और उसके बाद फाइनली आपके पास थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब था, इसमें पांच चीजें शामिल हैं, एनवायरमेंट, एजेंट, कोई आप इनपुट रिसीव करते हैं, उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, और उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिलता है। बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जस्ट गो थ्रू हमने किया, ठीक है। उसके बाद हमने चंद एग्जाम्पल देखी थी, वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने बोल के कोई आप काम करते हैं, ठीक है, यानी बोल के लिखवाना, गूगल डॉक्स के अंदर लाजमी आप ये फीचर इस्तेमाल किया होगा। पहले के दौर में क्या होता था कि आप कोई भी काम यानी करते थे, राइट करते थे, कोई भी पोयम, कोई भी चैप्टर, वो लिख के करते थे, टाइपिंग करके करते थे। गूगल डॉक्स ने एक फीचर हमें प्रोवाइड किया कि आप इनपुट मेथड वहां से कीबोर्ड को भी सिलेक्ट करें, और साथ साथ आप कर दें वॉइस या माइक, ठीक है, आप बोलते जाएं, आपका जो डॉक्स है वो खुद ब खुद उसको राइट करता रहता है। इसे हम कहते हैं क्या नाम है, ये आपकी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के लाते, कि आप बोल के लिख सकते हैं।
फिर मशीन ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक आपको एडवर्टाइज दिखाता है, तो हर बंदे को उसके मतलब की चीज दिखाई जाती है। उसके बाद ड्राइवरलेस कार, ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं, कोई भी आपकी मैन्युफैक्चर फॉल्ट आता है उसको डिटेक्ट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, उस पर कुछ डिसीजन लेना कि ये पीस सही है या ये पीस खराब है, उसे हम क्या कहते हैं, सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? बल्कि हमने यहाँ तक डिस्कस किया था बस, ऐसा ही जी सर जी, ठीक है। अच्छा चलो जज़ाकअल्लाह। अब आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। आज के स्टडी में करना क्या है कि हमें कुछ रिमेनिंग थ्योरी पढ़नी, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल भी करना, तो दोनों चीजों को हम यानी साथ लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में बड़ा मजा आने वाला है। एंड सेशन के अंदर हम यानी कोडिंग प्रोग्रामिंग को देखेंगे और स्टार्टिंग में हम थ्योरी को कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग की बात मैं करूँ ना, जिसमें फीचर इंजीनियरिंग ऑटो हो जाती है, 1960 के अंदर, बल्कि 49 के अंदर, सॉरी 1949 के अंदर न्यूरल नेटवर्क का पहले एल्गोरिथम का एक ट्रॉय फॉर्म की सूरत में कोड लिख के प्रोवाइड कर दिया गया था, इसका कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया गया था 1949। ठीक है, अब न्यूरल नेटवर्क तो इतना पुराना हो गया, सवाल ये है ऐसी क्या वजह थी कि अब न्यूरल नेटवर्क 2012 के बाद उसकी हाइप दोबारा से क्रिएट हुई। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना। मशीन लर्निंग भी यानी लाइक यानी 1949 से बहुत पहले के कॉन्सेप्ट हैं। ये सारी चीजें आपको पहले प्रोवाइड कर दी गई थी, रिसर्च प्रोवाइड कर दी गई थी, तो ऐसी क्या वजह थी कि अब 2012 में जाके जो इसका बूम है दोबारा से अप हुआ। ठीक है, तो वो चीज हम देखते हैं। एक्स और वाई दोनों पर एक्सेस है, वाई एक्सिस के ऊपर परफॉर्मेंस और एक्स एक्सिस के ऊपर जितना आपके पास ज्यादा डेटा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब ग्राफ देखते हैं। ये थी ट्रांजिशनल एआई। ठीक है, तो ट्रांजिशनल एआई में अगर आप चेक करें, डेटा जितना भी ज्यादा हो, इंटेलिजेंस जो हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्रामिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस रूल जो हम लिखते हैं, लॉजिक जो हम लिखते हैं, उसकी एक हद है, उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। याद है ना, इफ एल्स आप लॉगिन सिस्टम बनाते हैं या आप किसी को लोन देने का एक मैकेनिज्म बनाते हैं, तो उस डोमेन का जो एक्सपर्ट है यानी बैंकर जो है वो आपको बताएगा कि यार उसकी सैलरी चेक करो, उसकी हिस्ट्री देखो क्रेडिट कार्ड वगैरह की, और 10 चीजें, तो वो 10 चीजें आप चेक करेंगे, उसी की बेस पे आप बताएंगे इसको लोन देना या नहीं देना। तो ये जो डेटा है, अब मेरे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स की एप्लीकेशन आ जाए मेरे सिस्टम पे, जो मैंने 10 चेक लगाए, उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस अप हो सकती है लर्निंग में? क्योंकि ये प्रोग्राम है, तो क्या उसकी कोई 11वां चेक वो खुद ब खुद चेक कर सकता है जो डेटा बार बार आ रहा है? जी दोस्तों, कंडीशनल प्रोग्रामिंग में नो सर, ये नहीं कर सकता। परफेक्ट, इसका मतलब है आप सब सही ट्रैक पर चल रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक न्यूरल नेटवर्क लगा दिया। न्यूरल नेटवर्क यानी डीप लर्निंग सबसे एडवांस वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हमने लगा दिया, लेकिन न्यूरल नेटवर्क का जो साइज है ना, वो साइज पे हम बात करेंगे, बाकायदा ये बनाना सीखेंगे सेकंड मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने एक न्यूरल नेटवर्क यानी सबसे एडवांस एल्गोरिथम जो है वो लगा दिया। अब आप एक चीज नोट करें कि ये जो छोटा नेटवर्क है जिसकी लर्निंग की कैपेसिटी कम है, ठीक है ना, छोटा बच्चा होता है, आप उसको अगर सिखाते हैं, उसकी लर्निंग की कैपेसिटी की हद है, उस लेवल पे जाके वो अपनी इंटेलिजेंस बिल्ड कर सकता है। यहाँ पे भी आप चीज वही नोट कर लें कि आप जितना डेटा बढ़ाते जा रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस ब्लू कलर की अप होती जा रही है, लेकिन एक सेकेंड पॉइंट है, आप बार बार डेटा उसको सिखाए जा रहे हैं, एक हद है, उस हद पे आके उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, न्यूरल नेटवर्क छोटा था लेकिन एक हद पे जाके कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से कई गुना ज्यादा है एक छोटे न्यूरल नेटवर्क की, क्योंकि वो खुद डिसीजन लेता है किस चीज को अप करना, किस चीज को डाउन करना, किस बेस पे क्या डिसीजन देना। नेक्स्ट वाला क्या है, पर्पल कलर में
इसमें क्या चेंजिंग आप देखें प्रीवियस टू से इस ग्राफ के अंदर? डेटा का साइज, डेटा का साइज भी बढ़ता जा रहा है और ये मीडियम देखें परफॉर्मेंस भी बढ़ता जा रहा है। परफॉर्मेंस तो लर्निंग की कैपेसिटी आपने बढ़ा दी, न्यूरल नेटवर्क आपने बड़ा लगा दिया, मीडियम लगाया तो आपकी लर्निंग की कैपेसिटी भी अप होती जा रही है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी एक हद थी और वह हद क्या है, वह हद ये है कि मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आके उसकी जो लर्निंग है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है, इसी तरह लार्ज न्यूरल नेटवर्क लगा दें। तो इस डेफिनेशन से अगर मैं बात करूं क्या, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि न्यूरल नेटवर्क का साइज जितना आप बढ़ाते जा रहे हैं लर्निंग की कैपेसिटी उतनी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और एक यहाँ पे आप यानी ब्लू कलर पे देख रहे हैं कि एंड पॉइंट जहां पे लार्ज डेटा आ रहा है, जहां पे उन्होंने एक पॉइंट बुलेट्स बना के लिख दिया बिग डेटा। बिग डेटा की सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसा डेटा जो उस वक्त के सबसे अच्छे कंप्यूटर से, सिंगल कंप्यूटर से हैंडल ना हो सके, ठीक है। यानी मैं अगर आपको कहूँ कि 3 TB का डेटा है, क्या आप उसको अपने सिस्टम में लोड कर सकते हैं? नहीं है, आप लोड ही नहीं कर सकते। आपकी रैम की जो कैपेसिटी है वो 16 GB या 32 GB है, तो 3 TB का डेटा आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप अगर सिंगल मशीन से हैंडल ना कर पाए, ऐसे डेटा को हम बिग डेटा कहते हैं। बस ये अभी डेफिनेशन याद रखें, और बहुत सारी डेफिनेशन हैं जो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, हम स्पार्क पे, हैडोप के ऊपर ये सारे काम कर सकते हैं, टूल्स के ऊपर जो कि बिग डेटा को हैंडल करने के लिए होते हैं। ओके जी, अच्छा तो पहली वजह तो हमें क्या पता चली जी, अच्छा नोटेशन पे ध्यान। यस यू कैन आस्क सर, इस ग्राफ में देखा जाए एट द एंड लार्ज मीडियम स्मॉल और ट्रेडिशनल में बिग डेटा तो सेम नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, बिग डेटा यहाँ पे क्या था कि डेटा की क्वांटिटी, चलिए बिग डेटा हम कह रहे थे बिग डेटा सेम, लेकिन लर्निंग की कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज बताना चाह रहे हैं कि बिग डेटा अगर आप ट्रेडिशनल AI पे लगाते हो फर्क ही नहीं पड़ता, स्मॉल पे भी लगाते हो लर्निंग कैपेसिटी पीछे थी, खत्म हो गई थी, इतने से डेटा से मेरा काम चल सकता था, मीडियम पे भी काम चल सकता था। लेकिन जब हमारे पास बिग डेटा होता है तो ये चीज हमें ऑब्जर्वेशन से पता चली कि जितना बड़ा डेटा होगा उतना बड़ा नेटवर्क होना चाहिए तो अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं ओवरफिटिंग, वो आ जाती है। अगर आप कम डेटा के ऊपर बड़ा नेटवर्क लगा दें तो एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम क्या कहते हैं ओवरफिटिंग। ये सिर्फ अभी पॉइंट याद रखें क्या होती है, मैं उसकी डेफिनेशन नहीं बता, ठीक है, फिल वक्त। तो ये याद रखिएगा, कम डेटा पे छोटा नेटवर्क लगाएं तो प्रॉब्लम क्या फेस करेंगे हम, ओवरफिटिंग। अभी हम थोड़ी देर बाद न्यूरल नेटवर्क की एक पिक्चर और एक एग्जांपल भी देखेंगे। लेयर्स होती हैं, ठीक है, इसमें ना छोटी छोटी नोड्स होती हैं और वो छोटी छोटी नोड्स से ना वो चीज को सीख रहा होता है। जिस तरह इंसान के दिमाग के अंदर आप कोई चीज कैप्चर करते हैं, उसके ऊपर जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं ना, उनको आगे पास होने देते हैं, बाकी सबको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Excuse me, sir. सर एक सवाल है सर, प्लीज आपकी जरा ये जो डायग्राम है ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये वाला डायग्राम जो आपने अभी शो किया है? जी सर, ये वाला प्लीज। ओके, अच्छा मैं सिंपल कह रहा हूँ, ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग थी जिसमें इफ एल्स हम लिखते थे, प्रोग्रामर सारे रूल्स बताता था, तो प्रोग्रामर एक हद तक जो है ना रूल्स बता सकता था, ठीक है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस, उसने 10 चेक लगाए तो वो 10 चेक के बाद 11वां चेक खुद नहीं लगा सकता था, तो ये ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग थी। छोटा न्यूरल नेटवर्क लगा दिया जो कि हमने अभी एडवांस टाइप पढ़ी थी, तो न्यूरल नेटवर्क जो कि सब यानी फीचर इंजीनियरिंग वगैरह सारी चीजें खुद करता है, अगर छोटा नेटवर्क लगाते हैं तो उसकी भी लर्निंग आप देखें, परफॉर्मेंस देखें, जितनी परफॉर्मेंस बढ़ रही है इसका मतलब है उसकी लर्निंग उतनी ज्यादा अच्छी है। जब भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो जितनी उसकी लर्निंग आपकी यानी क्या होगी ट्रेडिशनल से ज्यादा है, लेकिन एक हद पे आके आपके स्मॉल न्यूरल नेटवर्क की भी हद हो जाएगी, उससे ज्यादा वो परफॉर्मेंस नहीं देगा,
मीडियम, आप उससे अगर थोड़ा बड़ा नेटवर्क लगाएं उसके साइज, अभी हम देखेंगे साइज क्या होता है, तो उसकी लर्निंग और बढ़ जाती है। और अगर आप उससे बड़ा नेटवर्क लगाए तो उसकी लर्निंग और बढ़ जाएगी। अगर इससे भी बड़ा नेटवर्क लगाऊंगा तो उसकी लर्निंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बस इतना। तो पहली चीज हमें पता चली। थैंक यू सर। एक सवाल इसमें है मेरा कि ये अमाउंट ऑफ डेटा लिखा हुआ है, अगर हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में डेटा तो नहीं होता है, ये तो लॉजिक दी जाती है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम लॉजिक की बात कर रहे हैं डेटा की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा समझने से कासिर हूँ। अच्छा, सिर्फ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर आप बिग डेटा देते रहे यार, मिलियंस ऑफ केसेस में अपनी 10 जिसमें मैंने चेक लगाया, मैं इस लॉजिक से गुजारू तो मुझे परफॉर्मेंस वो जो 10 चेक वाली है ना वो ही मिलेगी, उससे ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। तो बिग डेटा दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उसमें तो डेटा का इम्पैक्ट ही नहीं है, उसमें तो प्रोग्रामिंग का है। ठीक है, तो इन्होंने रेड वाला सबसे पहले दिखा दिया कि अगर आप सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड पे काम करते हैं, जिसे सिंबॉलिक एआई कहते हैं या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कहते हैं, ट्रेडिशनल एआई कहते हैं एक हद, फिर आपने क्या किया, न्यूरल नेटवर्क लगा दिया। न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे एडवांस एल्गोरिथम, उसके अंदर आप देखें कि आपकी परफॉर्मेंस वो खुद ब खुद उसने बढ़ा दी। न्यूरल नेटवर्क के अलावा मीडियम न्यूरल नेटवर्क आपने लगाया, परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ गई। आपने लार्ज न्यूरल नेटवर्क लगाया तो सिंपल, तो डेटा हमारे पास है, जैसे जैसे आपका यानी डेटा भी बढ़ता जा रहा है, पहली चीज जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो बस। अच्छा, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग या ट्रेडिशनल एआई, अब वर्ड यहाँ पे ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो इफ एस वर्ड वाली हम कर सकते हैं, और अगर मैं ट्रांजिशनल एमएल की बात करता हूँ, मशीन लर्निंग के जो पुराने एल्गोरिथम है न्यूरल नेटवर्क से पहले, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, उनकी भी एक हद है, ठीक है, बिग डेटा को डील करने की, तो उनकी भी एक परफॉर्मेंस आके यानी रुक सकती है। तो रेड वाली आपकी ट्रांजिशनल एआई या ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर एक हद है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। परफॉर्मेंस से मुराद है उसकी लर्निंग। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो पहली चीज मुझे पता चली कि हमारे पास डेटा नहीं था, जितना ज्यादा मैं डेटा बढ़ा रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क के लिए उतनी ज्यादा उसकी लर्निंग अच्छी हो रही है। यानी 1960 या 1950 के अंदर अभी जो फेसबुक डेटा जनरेट कर रही है, गूगल आपका डेटा जनरेट कर रहा है, इस क्वांटिटी में डेटा नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यानी मशीन लर्निंग का जो पेट्रोल है, जो आपका ईंधन है, वो डेटा है। अगर आपके पास ईंधन ना हो तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, इसी तरह आपके पास ईंधन ना हो तो आप क्या नहीं कर सकते, आप कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम ट्रेन नहीं कर सकते। सेकंड जो सबसे बड़ा पार्ट हमारे पास आया, हमने क्या किया है, हमारे पास जो कंप्यूटेशनल पावर है वो बढ़ गई। मॉरल लो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ग्रेजुएशन के अंदर, कि हर 2 साल के अंदर आपके जो भी यानी प्रोसेसर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, ट्रांजिस्टर हैं, उनका साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, क्वांटिटी उनकी बढ़ती जाती है, साइज में छोटा होता है और उसकी कंप्यूटेशनल पावर डबल होती जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर मॉरे जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अभी भी यानी वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने यानी ये लाइक 90s के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो आप देखें इस वक्त जो कंप्यूटेशनल पावर है, 1960 में आपने देखी होगी लाइक 50 MB की एक हार्ड डिस्क थी जो 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी, और आज आपके पास जो 50 MB या 300 MB जो भी है उसकी कोई अहमियत ही नहीं, एक छोटी सी जो पिक्चर है मैं भी वो इतनी कैपेसिटी कंज्यूम कर लेती। ठीक है, तो हमारे पास ना स्टोरेज पावर थी ना उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर थी, ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं थी लेकिन अब मौजूद हैं। ठीक है, तो 2 चीजें हमें पता चल गई कि पहले के दौर में हमारे पास इतना डेटा नहीं था, दूसरा पॉइंट हमें पता चला कि हमारे पास क्या नहीं थी, कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी। अच्छा, तीसरी चीज और मैं यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं, तीसरी चीज एल्गोरिथम में इंप्रूवमेंट। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास है, जो पुराने एल्गोरिथम थे उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी वो आहिस्ता आहिस्ता हम यानी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो एक फंक्शन यानी बनाया था एक्टिवेशन फंक्शन जिसे हम कहते हैं, एक तो आपके पास है सॉफ्ट मैक्स है, आप एक है वैल्यू कंप्यूटर विजन के लिए जो फंक्शन यानी आपका सबसे बेस्ट काम करता है एक्टिवेशन फंक्शन, उसका नाम है वैल्यू।
जो कि वन से प्लस, यानी प्लस में जो भी वैल्यू होती है उनको प्लस ही रहने देता है, प्लस में रहने देता है, और अगर कोई भी वैल्यू माइनस में आती है, जीरो से कम आती है, तो उसको खुद ब खुद जीरो कर देता है। ठीक है, तो ये वैल्यू फंक्शन बनाता है, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी वजह से आपकी जो लर्निंग है बहुत अच्छी हुई। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि तीन चीजें हैं जिसकी वजह से 2012 में जो आपका एक बूम दोबारा रेज हुआ, वो तीन चीजें क्या क्या है दोस्तों, तो रिपीट करना चाहेगा, तीन चीजें क्या क्या है? एनीवन? सर एक तो डेटा की अनअवेलेबिलिटी थी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, और एल्गोरिथम और कंप्यूटेशनल पावर, और लास्ट क्या है आपके पास? एल्गोरिथम प्रॉब्लम, इम्प्रूव। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन एआई, चेक करते हैं, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, अच्छा ये हम सारे पढ़ चुके हैं, तो आप तो इसको हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग आपको अच्छी तरह याद होगी कि कोई भी चीज मैं आपको सिखाता हूं तो सबसे पहले तो उसको मैं दिखाता हूं कि यार ये चीज है और इसको ये कहते हैं, ए टू बी मैपिंग। यानी लाइक मैं आपको कोई चीज अगर दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो अब आपके पास लाइक मैं आपको ये दो चीज उठा के दिखाता हूं, आपने तस्वीर देखी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताऊं, इसको कहते हैं हम, इसको मैं कह रहा हूं, इसको कहते हैं माइक। आप अगर जिंदगी में फर्स्ट टाइम सीख रहे होते हैं तो आप जब भी आप इस तरह की कोई चीज देखे आप उसको क्या बोलते हैं? माइक। अच्छा मैंने अभी माइक सिखाया तो आप माइक कहते हैं, लेकिन भाई सही कह लें डिक्शनरी, ये स्पीकर ही है जो आप लोग जानते हैं बेहतर। अच्छा तो अब मैं आपको कोई भी चीज आप यानी सिखाऊंगा, लाइक इसको हम कहते हैं रिमोट, ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइक मोबाइल, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, यह आपकी लर्निंग हो रही है, ए टू बी मैपिंग। आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको कोई चीज दिखाता है और उसके बारे में आपको बताता है ए, और उसके साथ जो लेवल है उसका जो मैप होता है उसे हम कहते हैं बी। तो हमारी जो सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है उसके अंदर सबसे जो जनरल चीज हम सीखते हैं वो क्या है, ए टू बी मैपिंग। ए टू बी मैपिंग आपको पता चलिए क्या होता है। अच्छा अब व्हाट इनेबल मशीन लर्निंग टू वर्क सो वे, क्या क्या इनेबल करती है? सबसे पहले हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने ये चीज पढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का जो ईंधन है वो डेटा है। आपके पास अगर डेटा नहीं है इट्स मीन यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास डेटा नहीं है। ए टू बी मैपिंग की इन्होंने सबसे टेबुलर डेटा के ऊपर ना आपको सिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं मशीन को सिखाने के लिए जो कि रिग्रेशन प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में क्या, मशीन को हम ए इनपुट देते हैं, इनपुट में हम क्या बता रहे हैं, हम घर का साइज बता रहे हैं। अगर किसी भी घर का साइज 523 स्क्वायर फीट होता है उसकी कीमत क्या होगी दोस्तों, डॉलर में 115 ओके। अच्छा आप देखो रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है ना, अगर आप स्टेट एजेंसी का काम करते हैं तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसकी आप यानी क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे में यही होता है कि यार इतना बड़ा घर है, अच्छा इसका ये साइज है कितने का है, आपने कहा इतने लाख का है, आपने कहा दूसरा घर आपने देखा उसका ये साइज है, सेम साइज है लेकिन उसी की कीमत क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। फिर आप देखते हैं कि उससे थोड़ा सा बड़ा घर है उसकी यानी क्या प्राइस है। तो अब क्या होता है कि जिस यानी एरिया में आप काम कर रहे हैं एरिया वाइज आपकी यानी पैसों की यानी अलग अलग वो है। अच्छा अभी आप यानी आप लाइक पूरे यानी कराची के अंदर काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आप स्क्वायर फीट देखते जा रहे और उसके आगे उसकी कीमत लिखी हुई। अब आप बताएं मैं जितना ज्यादा आप सर्वे करेंगे उतना ज्यादा आपकी लर्निंग हो जाएगी, रियल इस्टेट में आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा, और आप बता सकते हैं कि यार मैं कहता हूं कि मेरे पास इतने मिलियन रुपीस हैं, मेरे पास 5 करोड़ है या 6 करोड़ है, तो मुझे बताएं कराची की कौन से अच्छी शहर यानी आपकी यानी एरिया में मैं घर ले सकता हूं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपकी ये रेंज है तो सबसे बेस्ट आपकी यानी ये लोकेशन और ये चीजें, तो वहां पे इतने स्क्वायर फिट का आपको घर मिल सकता है। तो ये ए टू बी मैपिंग है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, जितना ज्यादा आप सर्वे करेंगे उतनी ज्यादा आपकी लर्निंग होगी। अच्छा मुझे बताएं ए टू बी मैपिंग यानी मैं घर का साइज बताऊं और आप मुझे पैसे बता दें, दूसरा आप ए टू बी मैपिंग इसको चेंज कर सकते हैं?
यानी एक एल्गोरिथम है कि मैं आपको साइज बताता आप पैसे बताते, और क्या हो सकता है आपका मॉडल इसी को उल्टा कर दे तो पैसे बताओ तो साइज बता देगा, बताने से साइज निकाल सकते बिल्कुल। तो अभी डिजाइन कहता है ए क्या रखेंगे और बी क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट नहीं है कि भाई ए यही होगा बी यही होगा, डिपेंड करता है आप एप्लीकेशन जो बना रहे हैं इनपुट क्या रखना चाह रहे हैं, आउटपुट वो कुछ भी हो सकता है। वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनफ नहीं थी, तो हमने कहा यार जो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी लर्निंग है, अगर मैं एक एरिया में काम कर रहा हूं तो चले उसमें तो मुझे यानी चले ये समझ आ रहा था, लेकिन जब दूसरे एरिया या एक ही एरिया में हम काम करें, एक घर बना हुआ है एक खाली प्लॉट है, तो दोनों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, साइज ऑफ हाउस और नंबर ऑफ बेडरूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेडरूम, अब आपका जो इनपुट जा रहा है, अब इनपुट में कितनी चीजें जा रही हैं, दो चीजें कितना बड़ा घर चाहिए आपको और कितने कमरों का चाहिए, सिंपल सा सवाल। अब आपने ये लॉजिक से सर्वे किया, अच्छा इतने कमरों का होता है इतने पैसे होते, इतने कमरों का होता है इतने पैसे होते हैं, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया और आप बता सकते हैं कि उसकी प्राइस क्या हो। इसी एल्गोरिथम को आप किसी दूसरी तरीके से दो इनपुट वाला बना सकते हैं और उसका आउटपुट अलग हो। मैं आपको क्या क्या बताऊं, यानी इसी एल्गोरिथम को आप दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखें, इनपुट चेंज करने, इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, अभी जो इनपुट है उसको छोड़ के हम पैसे बता सकते हैं और बेडरूम बता सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लोकेशन बता सकते हैं, लोकेशन क्या है उस एरिया की, सही। हम इसी डेटा को अभी सिर्फ देखते हैं, बात करें बाकी इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा आपके यानी इनपुट जो हो सकते हैं, मैं स्क्वायर फीट और पैसे बताऊं तो नंबर ऑफ बेडरूम भी मैं बता सकता हूँ, अच्छा यार इतने पैसे हैं और इतनी बड़ी जगह चाहिए तो इसके अंदर इतने यानी कम से कम कमरे होंगे, ये आपका आउटपुट हो सकता है। तो दूसरा ये हो सकता है कि आप मुझे बताएं पैसे और नंबर ऑफ बेडरूम कितने चाहिए, मैं बता सकता हूँ कि यार इतने पैसों में इतने नंबर ऑफ बेडरूम में इतनी बड़ी जगह आपको मिल सकती है। तो ये ए टू बी मैपिंग है जो कि आप डिफाइन करेंगे। अच्छा डेटा जो है ना वो यूनिक होता है, डेटा आपके बिजनेस को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अगर आपके पास वाइड डेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कंसीडर करें कोई बैंक है अपना क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, अभी जो बैंक वाले करते हैं वो रैंडमली लोगों को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो रैंडमली कॉल करने में प्रॉब्लम क्या है, कोई जॉब वाला है कोई जॉब वाला नहीं है, किसी की इनकम जो है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम है और आप उसको बोलते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड ले लें, बोलता है ठीक है मैं ले लेता हूँ, फिर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बाद में पता चलता है ये एलिजिबल नहीं, मैं इसको क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकता, तो आप बोलते हैं सॉरी सर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कैंपेन। तो अब ये बड़े मसले मसाइल हो गए। अगर मैं आपको बिल्कुल राइट डेटा दे दूं यार ये 5,000 लोग हैं इनको कॉल करो और ये सब के साथ एलिजिबल है, तो आप मुझे बताएं कि आपका टाइम आपकी कॉलिंग टाइम आपकी कॉस्ट तमाम चीजें बचेंगी और दूसरा सबसे ज्यादा आप सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी बिजनेस है अगर आपके पास डेटा है तो डेटा जो है ना वो यूनिक, यानी जो भी बिजनेस का डेटा आपके पास मौजूद है वो यूनिक है और उस डेटा की बेस के ऊपर आप अपने बिजनेस को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पुरानी वाली चीज थी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं की और उसके हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में थोड़ा सा भी आगे जाके हम देखेंगे क्या क्या चीज ये बताता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं डेटा इज ऑफन यूनिक टू योर बिजनेस एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डेटा सेट दैट अ रियल एस्टेट एजेंसी माइट हैव ट्राइड टू हेल्प प्राइस। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, इट्स अप टू यू टू डिसाइड, ये वही वाली बातें कह रहा है जो अभी हमने देखी है ना कि इनपुट क्या रखना है आउटपुट क्या रखना है, ठीक है, और किस चीज से आपकी यानी वैल्यू ज्यादा है जो आप लर्न करवाना चाह रहे हैं जो आपका डिजायर आउटपुट है। तो डेटा भाई आपके बिजनेस को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन डेटा को आपको देखना आना चाहिए किस से आप क्या चीज हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा जी फिर वही साइज की बेस के ऊपर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डेटा को देख के। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, टेबल ऑफ डेटा सेट, ठीक है। डेटा साइंस के अंदर थोड़ा और इसको हम दोबारा डीपली डिस्कस करें। अब हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, पहला डेटा था टेबुलर डेटा। टेबुलर डेटा तो बहुत आसान था कि भाई ये आपके दो इनपुट है और ये आपका एक आउटपुट है, उसमें कोई मुश्किल काम था ही नहीं। अच्छा अब हमने क्या किया,
सर इसमें वही ग्रुप टेबल वाला हिसाब तो नहीं है जिस तरह फिजिक्स में देखते हैं कि आमतौर पे कि अगर दो इनपुट्स का पता हो तो हम आउटपुट को डिसाइड कर सकते हैं जैसे NOT गेट NOR गेट AND गेट उनकी मांग उस तरह का। अच्छा कंप्यूटर साइंस के अंदर बैकएंड के ऊपर जितनी भी आपकी लर्निंग और डिसीजन होते हैं ना वो गेट से ही होती है ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो होती है लॉजिकल गेट्स इसलिए ये कहलाते हैं। अच्छा उन गेट्स को कंट्रोल करने के लिए जो कि आप इफ एल्स से एंड ये सारे ऑपरेटर खुद लगाते थे तो पहले ये ऑपरेटर आप खुद लगाते थे, अब ये मशीन खुद फाइंड करती है कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर रखना चाहिए यहाँ पे कौन सा गेट अप्लाई होना चाहिए ठीक है, तो इस वजह से हम इसको मशीन लर्निंग ही कह रहे हैं। बैकेंड पर आपके वही गेट से चलेंगे क्योंकि आपकी जितनी भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में बैकेंड के ऊपर आपके जो एंड और एक्सोर नॉर ये सारे गेट्स ही चलते हैं। अच्छा ये डेटा था आपके पास टेबुलर डेटा जो कि आप इंसान जो है ना नॉर्मली टेबुलर डेटा से बहुत ज्यादा फैमिलियर है, इसके ऊपर वो बचपन से काम करता हुआ आ रहा है, बचपन से आप डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं। एक्सेल शीट के ऊपर आप लाइक अपनी जब भी यानी प्रोग्रामिंग फील्ड में या काम कर रहे हैं तो एक्सेल के ऊपर आप डेटा को यानी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा जी तो टैबलेट डेटा के अलावा हमारे पास दूसरा डेटा होता है जिसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इस डेटा के अंदर देखें जरा क्या किया हुआ है, मैनुअल लेबलिंग की, कैट की पिक्चर है तो उसको कैट कह रहे हैं ठीक है, और नॉट कैट की पिक्चर है तो उसको नॉट कैट हम कह रहे हैं। तो अगर मैं एक एल्गोरिथम बनाना चाह रहा हूं जिसको मैं कोई भी तस्वीर दूं और वो मुझे बता दे कि ये कैट है या नहीं, क्लियर है दोस्तों। तो अगर आप पिक्चर अक्वायर करते हैं बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं जो कि पिक्चर की फॉर्म में हो लाइक आप पहचानना चाह रहे हैं कासिम है या कासिम नहीं है, कैट है या कैट नहीं है, तो इस तरह करके आप उनकी बहुत सारी तस्वीरें कलेक्ट करेंगे और उनको लेबल कर देंगे। रवि आप एनोटेशन करके कुछ बताना चाह रहे हैं बेटा, एनोटेशन इसमें तो आपको कई तस्वीरें मिलेंगी आपके पास तो बेइंतहा डेटा हो जाएगा फिर तो जी। उसको आप कैसे हैंडल करेंगे क्योंकि कैट की एक तस्वीर तो नहीं है, कैट की तो कई तस्वीरें हैं जो कि मौजूद हैं ऐसे ही तो इसको ही। आप कैसे हैंडल करेंगे मैं अभी इसका बताता हूँ एक मिनट। देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बैच प्रोसेसिंग ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग जो है मैं उससे ये काम कर सकता हूँ। बैच प्रोसेसिंग क्या है, बेच प्रोसेसिंग ये है कि एक वक्त में कितनी चीजों से आपको सीखना ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है ना वो एक वक्त में 100 सैंपल को हैंडल कर सकता है ठीक है, किसी ने 200 दे दिया तो सिस्टम की मेमोरी क्रैश कर जाएगी। तो बेच प्रोसेसिंग ये है कि वो क्या करेगा 80 सैंपल उठा के लेके जाएगा, उस पर पहले सीखेगा फिर आगे की 80 पिक्चर उठाएगा फिर उन पर सीखेगा फिर आगे 80 पिक्चर उठाएगा, तो वाइट्रेशन आपकी चलेगी। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है जो कि बहुत ज्यादा आप उसको हैंडल कर सकते हैं किसके जरिए, बैच प्रोसेसिंग ठीक है जी, क्लियर है सर। ये बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करते हैं या आप स्पेसिफिक करते हैं कि एडीएडी उठा लो क्या, ये डिपेंड करता है, ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है लाइब्रेरी इस्तेमाल करें अदरवाइज हम इसका कोड भी लिख सकते हैं तो देख लेंगे क्या होता है, अभी तो बस ये हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि ये हो सकता है पॉसिबल। अच्छा अब हम जो डेटा अक्वायर कर रहे हैं, पहला डेटा हमने टैबलेट डेटा अक्वायर किया था जिसके अंदर आप घर का साइज नंबर ऑफ बेडरूम बताएं मैं प्राइस बता सकता हूँ, ये डेटा आपने कहीं से कलेक्ट किया किसी ऑर्गेनाइजेशन से मांगा किसी रियल एस्टेट एजेंट से आपने मांगा। दूसरा आपके पास कैट और नॉट कैट का एल्गोरिथम बना रहे हैं तो आपने कहीं से भी तस्वीरें चाहे वो खुद कैप्चर की या इंटरनेट से उठाई तो कैट नॉट कैट की तस्वीर उठाई पिक्चर्स थी, डेटा हम अक्वायर कर रहे हैं मैं कुछ कह रहे हैं आप ओके मैं आगे चलता हूँ आई थिंक ओके। अब देखिए हमारे पास एक और हम देखते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें इंटरनेट के ऊपर यूजर आता है पर्टिकुलर टाइम पे आता है पर्टिकुलर प्राइस का एक प्रोडक्ट है वो परचेज करता है या नहीं करता, ये डेटा हमारे पास मौजूद है। तो आपके पास जो लास्ट 3 महीने की सेल हुई है आपने वेबसाइट से वो डेटा डाउनलोड किया ठीक है, आपकी जो भी यानी अमेजोन कह लें या फेसबुक के जरिए आप मार्केटिंग करके जो चीज सेल कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट से जो चीजें सेल हुई हैं वो आपने दिखाया कि भाई फला यूजर था कासिम यूजर था वो इस टाइम पे आया उसको मैंने 7 रुपए
$95 की चीज दिखाई और उसने उसको परचेज कर दिया। अच्छा फिर दूसरा यूजर मेरे पास आता है March 3 को और वो $10 की चीज में दिखाता हूँ, वो भी परचेज कर लेता है। दूसरा जो तीसरा यूजर आता है उसको मैं $9.5 की चीज दिखाता हूँ, परचेज नहीं करता। तो आप देखेंगे डेटा आप अक्वायर कर रहे हैं, ये डेटा आप कहीं से ले रहे हैं, वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, हो सकता है वेब स्क्रैपिंग करके ये डेटा उठा रहे हैं, तो कहीं से भी ये डेटा आप उठा सकते हैं। तो पहली चीज आपके पास डेटा आ गया, जब डेटा आ गया उसके अगेंस्ट मुझे ये भी पता है कि ये डेटा मैं किसी को दिखाता हूं तो वो खरीदता है, ये डेटा मैं दिखाता हूं तो ये नहीं खरीदता, ये डेटा क्वायर करना है। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसके अंदर एक मशीन जो कि आपकी चल रही है, एक मुख्तलिफ रूम टेम्परेचर पे हमने रखी हुई है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है ये हमने मेजर किया हुआ, एंड फाइनली मशीन में खराबी आती है या नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटा देख रहे हैं, हर मशीन में मुख्तलिफ मशीन चल रही है आपकी कंपनी के अंदर, और उसकी बेस के ऊपर हम देख रहे हैं कि अगर मैं उसको इस टेम्परेचर पे चलाता हूँ 100 टेम्परेचर, 140 टेम्परेचर और 160, ऑब्जर्वेशन कुछ आ रही है दोस्तों टेम्परेचर देख के, टेम्परेचर और उसका मैकेनिकल फॉल्ट या मशीन फॉल्ट देख के क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, एक कोई स्टोरी बन रही है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ मशीन खराब हो रही है, उसका ऑपरेटिंग बिहेवियर हमें पता चल गया, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर एनवायरनमेंट उसके अगेंस्ट होता है तो वो मशीन फेल हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा इसे कहते हैं डेटा साइंटिस्ट, जो सिर्फ डेटा देख के स्टोरी बना के आपको बता सके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंटिस्ट। अब उसके लिए आप कोई टूल इस्तेमाल करें या अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अच्छा तो आपने एज अ डेटा साइंटिस्ट ऑब्जर्व किया कि आपके पास ये ट्रेंड आ रहा है, अब ये ट्रेंड आया, एक हाइपोथेसिस आया, हम इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग को चेक करते हैं, उसकी बेस के ऊपर फिर डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो नजरिया था वो सही है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास स्टैट्स के कुछ टूल्स हैं, कुछ यानी आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के रूल्स हैं, वो आप अप्लाई करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है जो आप सोच रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, वो प्रूफ करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो हमें पता चला यार मुख्तलिफ मशीन से या मॉडल नंबर हो सकते हैं उनके, उनको मुख्तलिफ टेम्परेचर पे रखा हुआ, उनकी उनके प्रेशर्स भी हम नोट कर रहे हैं, तो हमें पता चलता जा रहा है कि यार किस पे फॉल्ट आ रहा है किस पे नहीं आ रहा। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, अक्वायर डेटा। ये डेटा जो है हम किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना डेटा की ऑथेंटिकेशन, डेटा की वैलिडेशन। अब जैसे इस वक्त हम कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम प्रोटीन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम प्रोटीन रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, हम ड्रग्स रिकवरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च के ऊपर। तो पता है प्रॉब्लम क्या है, हमें जो वेबसाइट से हम डेटा उठा रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक डेटा है, कौन सा प्रोटीन किसके साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट क्या आपके यानी काम होते हैं, कौन सा क्रोमोसोम वगैरह यानी क्या इंफॉर्मेशन लगता है जो कि आप यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आपके जीन के ऊपर म्यूटेशन के ऊपर यानी इम्पैक्ट करता है। अब ये जो डेटा है मेडिकल फील्ड का, तो ये डेटा अगर आप कहीं ऐसी वेबसाइट से उठा लें जो कि रैंडमली जनरेट करवाए, तो क्या आपकी रिसर्च जो आप कर रहे थे ड्रग्स रिकवर करना चाह रहे थे चाहे वो कोरोना वायरस हो या कैंसर के खिलाफ हो, आप कर पाएंगे दोस्तों अगर आपका डेटा ही सही नहीं है? नो सर, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें यहाँ पे पता चल गई कि जहां से भी आप डेटा उठा रहे हैं डेटा की ऑथेंटिकेशन आप देखें, वैलिडेशन यानी आप उसको वैलिडेट करें, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो डेटा प्रोवाइड करने वाले कौन हैं, उस फील्ड में उनकी क्या वर्थ है और वो डेटा कितना ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है जी। अब वो वेबसाइट से उठाएं, वो स्क्रैप करके उठाएं, वो किसी भी आप यानी लाइक हॉस्पिटल जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, कहीं से भी करें, डेटा कितना ऑथेंटिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस अब इसके ऊपर मैं नहीं कहूंगा ये कह रहा भाई डाउनलोड कर लें वेबसाइट से कर लें, मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं वहां से कर लें, हमारे पास इस वक्त कैगल है, कैगल से हम डेटा उठा सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जो कि पर्टिकुलर फील्ड के हैं वहां से डेटा उठा सकते हैं, तो आपके पास डेटा है। और ये जो डेटा है ये मुख्तलिफ डेटा हो सकता है, कंप्यूटर विजन का डेटा है तो जाहिर बात है कंप्यूटर विजन उसमें पिक्चर्स होंगी, सेल्फ ड्राइविंग कार का डेटा सेट है उसमें भी आपकी यानी वही इमेजेस हैं, ठीक है, वीडियोस भी हो सकती हैं, स्पीच रिकग्निशन है तो आपका डेटा सेट क्या होना चाहिए दोस्तों स्पीच के अंदर? ऑडियो। ऑडियो
अच्छा लास्ट वाला क्या है, मेडिकल। तो अभी जो रियल वर्ल्ड में मेडिकल डेटा पड़ा हुआ है ना, वो मुख्तलिफ फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वो आपकी इमेज फॉर्म में हो सकता, जी वो इमेज फॉर्म में भी हो सकता है, वो ग्राफ फॉर्म में भी हो सकता है, बहुत सारी आपके पास टाइप है डेटा की, तो किसी भी डेटा टाइप में हो सकता है। अच्छा तो ये डेटा ये कह रहे हैं लाइसेंस, ठीक है, तो लाइसेंस का मतलब यही है कि आप देख लें लाइसेंस में, चेक तो करेंगे ये किसने प्रोवाइड किया है, किस तरह इन्होंने बिल्ड किया है, क्या इनका पर्पस था, कितना ऑथेंटिक डेटा है या एक्सपेरिमेंट डेटा है जी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे इसने लास्ट में देखी। याद है किसी को प्रॉब्लम? सर एक सवाल था मेरा, जिससे अब ये लास्ट में लिखा हुआ है कीप इन माइंड लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट, तो जब हम डेटा किसी वेबसाइट से उठाएंगे अगर उस पे एल्गोरिथम वगैरह बनाना है, तो उस डेटा अगर किसी भी वेबसाइट से उठाया उसकी उसकी कॉपीराइट हमारे पास तो नहीं है, तो वो तो क्लेम कर सकता है जो ओनर है वेबसाइट का, तो उस केस में फिर क्या? Recording in progress. True values के साथ जो है ना लर्निंग करवानी पड़ती है अपने नेटवर्क की, तो डेटा सेट जो कि ट्रू वैल्यूज का होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम फाइंडिंग